हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स 07। गाइस आप सब रेडी हो जाओ क्योंकि 18 फरवरी का दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होने वाला है आईपीएल का मिनी ऑक्शन। बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया सॉर्टेड 292 प्लेयरों का लिस्ट, जिसमें से होगी आईपीएल ऑक्शन की बिडिंग। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप सब भी मेरे तरह एक्साइट हो तो कमेंट करके जरूर जानाइए। तो गाइज मैं बहुत रिसर्च करके आप सबके लिए एक लिस्ट रेडी करके लेकर आया हूँ। वो 8 टीमों के पास कितना रुपया अवेलेबल है, कितना प्लेयर वो खरीद सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक लिस्ट पूरा का पूरा एक लिस्ट रेडी करके लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं आप सबके साथ वो लिस्ट शेयर कर देता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। SRH मतलब सनराइज हैदराबाद के पास सिर्फ और सिर्फ 10.75 करोड़ रुपीज़ है और उनके पास सिर्फ 3 स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 स्लॉट है ओवरसीज का। उसके बाद KKR के पास भी 10.75 करोड़ रुपीज़ अवेलेबल है और उनके पास कुल मिलाकर 8 स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से 2 स्लॉट है ओवरसीज का। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास 13.4 करोड़ अवेलेबल है और उनके भी कुल मिलाकर 8 स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट ओवरसीज का है। उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास 15.35 करोड़ अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर्स की स्लॉट अवेलेबल है और उनमें से 4 स्लॉट ओवरसीज का है। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पास 19.90 करोड़ रुपीज अवेलेबल है और उनके पास 7 स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 स्लॉट है ओवरसीज का। और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है 35.40 करोड़ रुपीज का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो अवेलेबल है और उनका सबसे ज़्यादा प्लेयर का स्लॉट भी अवेलेबल है। 14 प्लेयरों का स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयरों का स्लॉट अवेलेबल है। और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के पास 37.85 करोड़ रुपीस अवेलेबल है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 9 स्लॉट अवेलेबल है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट ओवरसीज का है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल है किंग्स 11 पंजाब के पास, उनके पास 53.20 एक बहुत ही बड़ा सबसे ज़्यादा अमाउंट इस IPL ऑक्शन पे पंजाब लेकर आ रहा है, उनके पास अवेलेबल है और उनके पास 9 प्लेयरों की स्लॉट अवेलेबल है, उनमें से 5 स्लॉट ओवरसीज प्लेयरों का। तो ये था हर टीमों का डिटेल्स, किस किस टीम के पास कितना रुपया है। तो चलिए आप सबको सबसे ज़्यादा टारगेट होने वाले प्लेयरों को लिस्ट बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस बार भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ज़्यादा पैसे ले जाने वाले हैं इस IPL ऑक्शन पे। तो मैक्सवेल, जय, रिचर्डसन, एडन फिंच, कूल्टर-नाइल ज़्यादा पैसे लेने वाले हैं और उनके साथ साथ क्रिस मॉरिस, शकीब उल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, डेविड मालन, जेसन रॉय, काइल जेमिसन, अवसन थॉमस, इन सब प्लेयर की ऊपर भी नज़र रहने वाले हैं हर टीमों की। तो ये कुछ न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करने था। तो गाइज आप सबका फेवरेट टीम कौन सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जानाइए, तो मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा फेवरेट टीम के साथ आप सबका फेवरेट टीम मैच करती है कि नहीं करती। मेरा फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो गाइज इस वीडियो इतना ही था। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए या फिर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइज़।